एचडीएफसी बैंक गिर गया 5%, एचडीएफसी लिमिटेड भी गिर गया 5% से ज्यादा, बैंक निफ्टी भी 1000 पॉइंट धड़ाम हो गई और निफ्टी भी हमारी लगभग 200 पॉइंट गिर गई, 186 पॉइंट की माइनस की क्लोजिंग आई है। बाजार गिरने के पीछे कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेता है, या कहिए बाजार गिराने के पीछे कोई ना कोई बहाना होता है, लेकिन जरूरत है बाजार की माया को समझने की। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। बाजार आज गिरा है जो आपके सामने ही है। मैं टेलीग्राम में बराबर जनवरी से यह कहता आ रहा हूं कि बैंक निफ्टी गिरी नहीं कि निफ्टी धड़ाम हो जाएगी, और आज तो बैंक निफ्टी ही धड़ाम हो गई। अब कारण समझते हैं कि बाजार गिरा क्यों, ये फैक्ट, अभी फैक्ट पे बात होगी फिर साइकोलॉजी बताऊंगा। बाजार दो तरह का रूपरेखा लेके चलता है, एक तो फैक्ट जो दिखाया जाता है, रीजन जो दिखाया जाता है मीडिया न्यूज में कि इस वजह से बाजार गिरा, और एक पीछे की साइकोलॉजी होती है कि वो गिरा क्यों, आखिर असली निचोड़ क्या होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। बाजार में बैंक निफ्टी में खास तौर पर जब करेक्शन आया था मार्च में, तभी से पोजीशन बननी शुरू हो गई थी और पोजीशन बराबर बढ़ाते चले जा रहे थे और बैंक निफ्टी को नित नई ऊंचाई लेकर जा रहे थे। कारण क्या था पीछे, एक बाजार में न्यूज है बराबर की पिछले साल से, बल्कि अब तो उसका पटा छेप होने आ रहा है, मतलब अंत आ गया है उसका, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होना था, एचडीएफसी ट्विंस का मर्जर होना था, और मर्जर के पीछे कहानी थी कि बाजार में जो इन दोनों शेयर का फ्री फ्लोट है वो 0.5% से 1% होना था। किसके द्वारा? एमएससीआई इंडेक्स के द्वारा। अब एमएससीआई क्या है, तो मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल। तो एमएससीआई इंडेक्स में क्योंकि मॉर्गन स्टेनली की मेजर शेयर होल्डिंग है, इनका एक इंडेक्स फंड है इंडिया में, मतलब एमएससीआई इंडेक्स इंडिया में है, जो यहां के बाजार को मापने का, या मोटी तौर पे कहें एमएससीआई इंडेक्स इंडियन मार्केट में लार्ज कैप और मिड कैप सेगमेंट को मापने का पैमाना है बाहर की तरफ से, ऐसे समझो। तो मुद्दे पे फिर से आ जाते हैं, एमएससीआई इंडेक्स को करना क्या था जून में, इनको 0.5% से 1% तक फ्री फ्लोट ले जाना था और उसमें 24,000 करोड़ की बाइंग होनी थी अकेले एचडीएफसी बैंक में। लेकिन फिर समझ में ये आया कि बाजार में बहुत वोलेटिलिटी हो जाएगी, जो एमएससीआई इंडेक्स की तरफ से खबरें आ रही हैं, मैंने भी ये न्यूज में ही सुना है, वही बता रहा हूं आपको टीवी में। तो हुआ यह कि 0.5 से 0.37 फ्री फ्लोट करेंगे ये लोग एमएससीआई वाले, तो एचडीएफसी ट्विंस में पता लगा 24,000 करोड़ की जो बाइंग होने वाली थी वो एचडीएफसी बैंक में पता लगा 1500-1600 करोड़ की बिकवाली होने की आशंका है। इस वजह से बाजार के बड़े प्लेयर्स ने अपनी एफेंडो में पोजीशन आज अनवाइंड करनी शुरू कर दी, ये हुआ है खेल। तो इस तरह से आज निकाल दिया बाजार का तेल, तो बड़े प्लेयर्स की या तो पोजीशन पूरी तरह से अनवाइंड हो गई है या अनवाइंड करना शुरू किया है, अभी वो भी पशुपेश में, मतलब पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं, लेकिन मार्केट में ये नॉइस होने लगी थी कि ऐसा होगा, इस वजह से ये गिरावट हुई। और बाजार के बड़े प्लेयर एमएससीआई के जिस पॉजिटिव स्टेप का जून में वेट कर रहे थे उस पे पानी फिर गया है पूरी तरीके से। तो ये तो बाजार गिरने का फैक्ट बता दिया मैंने, रीजन फैक्चुअल कि ये ऐसे हुआ, इस वजह से बाजार गिरा। अब बाजार का दूसरा पक्ष समझ लेते हैं कि बाजार की साइकोलॉजी क्या कह रही है, बाजार का मनोविज्ञान क्या कह रहा है जिसकी वजह से बाजार गिरा है, वो समझा देता हूं, जो मुझे मोटा मोटा समझ में आता है, जिसकी मैं लर्निंग देने यहां आया हूं, जो मैंने इतने दिनों में सीखा है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे जो समझ में आता मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। देखिए हुआ क्या था, मार्च में बाजार गिर रहा था। अच्छा, मार्च में मैं भी बहुत एक्टिव नहीं था क्योंकि मैं अपने टैक्स हार्वेस्टिंग करता हूं, तो अपने सारे एडजस्टमेंट कर रहा था, और लगभग सभी लोग मार्च में एडजस्टमेंट ही करते हैं, तो मार्च में ऐसे ही रहता है। कुछ म्यूचुअल फंड का भी अपना सिस्टम रहता है कि पोजीशन इधर उधर से चेंज होते हैं, हैंड्स
बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के तो वो हो रहा था। कुल मिला के बाजार में बड़ा लो वॉल्यूम था मार्च में, मार्च में बड़ी गिरावट थी, और मार्च में सबसे बड़ी बात कि रिटेलर्स का बहुत कम पार्टिसिपेशन था, बिल्कुल लेस पार्टिसिपेशन था। इवन फरवरी के डेटा आ रहे थे कि लोगों ने अपनी SIP भी बंद कर दी है, बाजार एकदम नीरस हो गया था। जब बाजार इस तरह का होता है तो बाजार में बड़े पंटर लोग घुसते हैं, बड़े प्लेयर लोग घुसते हैं और बाजार को उठा देते हैं। जब तक रिटेलर इंतजार करता है कि बाजार और गिरेगा, जैसे मार्च में मैं भी बराबर कह रहा था कि 16,800 आ जाए तो बढ़िया है काम करने का, तो मैंने थोड़ी बहुत इधर उधर छुटपुट बाइंग की थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं की थी, लेकिन जो बड़ी बाइंग करने की सोच रहा था वो मैं सोच रहा था बाजार गिर जाए, निफ्टी का मुझे बहुत दिनों से इंतजार है गिर जाए, तो वहां पे सोचा था। लेकिन उसके पहले ही प्लेयर्स ने बाजार बढ़ाया। 2 अप्रैल को ही मुझे समझ में आ गया, 2 अप्रैल को मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बराबर ये कहा कि निफ्टी 17,800 तक जा सकती है अप्रैल में, और वहीं तक लगभग गई। जिस दिन एक्सपायरी हो रही थी उस दिन 800 के ऊपर 80 पॉइंट और हो रही थी, 17,880 हो रही थी, 17,880 के ऊपर हो रही थी। दूसरा मैंने बताया था कि रिलायंस को गर्म किया जा रहा है, तो रिलायंस को वहां तो नहीं चलाया पंटर लोगों ने, लेकिन मई में चलाने के मूड में है। तीसरी बात, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लाइन लिखी थी कि निफ्टी 16,800, तो मैंने अप्रैल में आपको यह बताया था कि 17,800 जाएगी, लेकिन उसके बाद का मुझे करेक्शन लग रहा था 16,800, जो आज देखने को मिला, आज फ्राइडे 5 मई को देखने को मिला है कि बाजार शायद नीचे की तरफ एक बार करवट फिर से लेगा। तो मुझे लगता है कि निफ्टी ने अभी 18,265.67 का एक इंटरमीडिएटरी हाई बना दिया है, यहां से बाजार गिर सकता है, 16,800 निफ्टी आ सकती है। मैं क्यों बराबर बड़ा परेशान हूं या बराबर मैं कह रहा हूं, और आज से नहीं कह रहा हूं, ये नवंबर से दिसंबर से कह रहा हूं कि निफ्टी एक बार 16,800, 16,400, 15,800 आ जाए, क्यों कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि मैं बाजार में बियरिश हूं, बाजार में मैं ये लेवल इसलिए चाहता हूं कि एक बार ये लेवल आ जाएगा तो इसके बाद जो बाजार की अगली तेजी बनेगी उसके लिए ये करेक्शन बहुत हेल्दी रहेगा, और ये आना बहुत जरूरी है, और मैं दिल से चाहता हूं कि ये करेक्शन आ जाएगा। 16,800 निफ्टी तो मार्च में ही आ जाती, लेकिन इतना पार्टिसिपेशन लो था, इतना लेस पार्टिसिपेशन था, इतनी वॉल्यूम बाजार की कम थी कि बाजार में पहनाया किसे जाता माल, तो इस वजह से बाजार को वहां से खींच लाए। दूसरा, ये HDFC ट्विंस वाली कहानी फंसी हुई थी, तो इनको बैंक निफ्टी बढ़ानी थी। अब जब बैंक निफ्टी बढ़ी तो बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक्स जो काफी हैं वो निफ्टी इंडेक्स का भी हिस्सा है, वेटेज है वहां पे, तो वो निफ्टी भी भागी, लेकिन बैंक निफ्टी को कस के चढ़ाया गया, निफ्टी तो 800,000 पॉइंट भागी, बैंक निफ्टी काफी भागी, मुझे याद है 40,000 के आसपास आ गई थी बैंक निफ्टी, वहां से 44,000-4,000 पॉइंट की रैली कराई इन लोगों ने। तो निफ्टी इंडेक्स में भी वेटेज मजे का है ट्विंस का, वहां पे 5-5% गिरे, बैंक निफ्टी में गिरे, धरातल पे आ गया मामला आज। अब बाजार की साइकोलॉजी को थोड़ा सा जूम करके बताता हूं, कुछ जूम करता हूं। बाजार के ये MSCI की इवेंट का इंडेक्स में जो ये फ्री फ्लोट का कार्यक्रम होना था जून में, इसकी खबर बड़े प्लेयर्स को थी, बाजार के बड़े लोगों को। देखिए, बाजार में 3 लेयर होती हैं। एक तो लेयर होती है रिटेलर, रणबांकुरे, सब उसी में कर लीजिए, हमारे जैसे लोग भी वो सब उसी में हैं। रिटेलर, मैं अपने को रिटेलर ही मानता हूं, जिनको लगभग कुछ नहीं पता होता है। इसके बाद HNI और अल्ट्रा HNI होते हैं, और छोटे बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े सिंडिकेट टाइप या बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो सेकंड लेयर में आते हैं। और तीसरी लेयर सबसे ऊपर होती है, जहां पे बड़े बड़े ऑपरेटर्स का समागम होता है, उनको पता होता, तो उन्हीं को पता था ये कि ये चीज होने वाली है। पहले उनको पता था कि ये चीज होने वाली है, मतलब फ्री फ्लोट बढ़ने वाला है, 24,000 करोड़ की HDFC बैंक में बाइंग आने वाली है, जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा है, मतलब कुल मिला के बाइंग होगी इंडेक्स के द्वारा, तो उन्होंने बढ़ाया। लेकिन उनको यह खबर भी पता लग गई थी कि अब फ्री फ्लोट 0.5 से 1% ना बढ़ा के 0.3736% करेंगे, यह भी उनको पता था। तभी तो एक दिन पहले HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड रिकॉर्ड हाई पे बंद होते हैं, और इसके बाद आज पहले से जिन्होंने पोजीशन ऑपरेटर ने बना रखी थी शॉर्ट की बैंक निफ्टी में,
और फिर धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ मामला। और मैंने 17 अप्रैल को अपने टेलीग्राम चैनल में बोल दिया था कि जिन्होंने बैंक 20 में, निफ्टी 20 में सिप की है और उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो बाजार मौका दे रहा है प्रॉफिट बुक करने का। ये इशारा मैंने 17 अप्रैल को ही कर दिया था। साथ में ये भी लिख दिया था कि कभी भी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गायब हो जाएगी, और वही हुआ। पोजीशन शॉर्ट करके रखी थी। आज फ्राइडे को एमएससीआई वाली खबर टीवी न्यूज मीडिया में छपती है, बाजार गिरना शुरू होता है, पहले बैंक निफ्टी गिरनी शुरू होती है। और आज टेलीग्राम पर मैंने तभी इशारा कर दिया था जब बैंक निफ्टी मात्र 100-150 पॉइंट गिरी थी कि बैंक निफ्टी ने खूब मजा दिलाया है, अब यही बैंक निफ्टी रुलाने वाली है। और इस चीज को वहीं से जोड़ के देखिए 17 अप्रैल से, आज पूरा 1000 पॉइंट गायब कर दिया निफ्टी ने। हुआ यह कि शुरुआत में बाजार गिरना शुरू हुआ, अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई और छोटे बड़े इन्वेस्टरों ने पैसा लगा के खूब एवरेज किया, पहले बैंक को, एचडीएफसी बैंक को भी किया और एचडीएफसी लिमिटेड में भी पोजीशन बनाई, लेकिन ऊपरी लेयर बराबर भी क्वाली करती रही क्योंकि उसे तो पता ही था खेल। तो फिर अंत में पोजीशन धीरे धीरे अनवाइंड होनी शुरू हुई है, या तो पूरी पोजीशन एफएंडो में अनवाइंड हो गई है, अगर पूरी हो गई है तो गिरावट यहीं तक है, और नहीं तो बैंक निफ्टी की गिरावट मंडे को भी होगी। कुल मिला के जब इवेंट हो जाती है, यानी कि न्यूज जब बाजार में फ्लैश हो जाती है, तो उसकी महत्ता खत्म हो जाती है। तो जब न्यूज बाजार में आ गई तो उसका इम्पैक्ट खत्म, तो उसका जो असर होना था बड़ा, वो वाला आज असर हो गया। अब बैंक निफ्टी को अगर गिराना होगा आगे मंडे को भी, तो उसके बाद खबर को कंटिन्यू करेंगे या पूरी पोजीशन इनकी कटी नहीं होगी बीच वाले लेयर की। बड़ा वाला लेयर तो अब शॉर्ट करके बैठा है बैंक को, जब तक कि 43,500 के ऊपर नहीं जाएगी बैंक निफ्टी तब तक शॉर्ट ही है ऊपरी वाली लेयर। और मुझे लगता है, मेरा तो इंतजार ये है यार, मैं 26 सितंबर से कह रहा हूं कि 36,000 की बैंक निफ्टी का इंतजार है मुझे, 36,000। अगर 36,000 निफ्टी नहीं आती बैंक निफ्टी, तो भी मुझे लगता है 40,000 तो आ जानी चाहिए। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। ये वीडियो मैं स्टडी पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे, अपनी बात शेयर करता हूँ। ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिएगा मेरा कोई भी वीडियो देखते टाइम, कि मैं कोई भी खरीदने बेचने की राय नहीं देता हूँ, सिर्फ आपको एक लर्निंग देता हूँ कि समझ लो बाजार कैसे काम करता है। और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम पे मैंने एक बार नहीं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल बराबर ये लिखा कि बैंक 20 में, बैंक में मेरी पोजीशन निल है। बस एक छोटी सी पोजीशन मार्च में मैंने बनाई थी, जिसको मैं अप्रैल में बुक भी कर गया था बैंक 20 में और निफ्टी 20 में। थोड़े से खरीदे थे शेयर, वो बेच गया था, लेकिन वो मुझे एक जॉबिंग ही करनी थी, अच्छे रेट पे मिल रही थी तो मैंने एक जॉबिंग कर ली थी, मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो बाकी मेरी पोजीशन बैंक में निल है बिल्कुल। बैंक निफ्टी को क्योंकि मैं बैंक 20 के थ्रू प्ले करता हूं, तो पोजीशन मैं वहीं से आपको क्लियर बताता हूं कि निल है, जीरो है, बराबर बता रहा हूं। 26 अप्रैल एक्सपायरी जिस दिन थी, उस दिन भी टेलीग्राम पे मैंने इशारा किया था कि देखिए एक्सपायरी वाले दिन ना फंडामेंटल चलता है ना टेक्निकल चलता है कोई, क्योंकि उस दिन मोस्टली पोजीशन रोल ओवर हो रही होती है, तो अपने हिसाब से बाजार को घटाया बढ़ाया जाता है इंडेक्स और बैंक निफ्टी को, यानी कि निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को मैनेज किया जाता है और हैंड्स चेंज होते हैं। तो किसी शेयर में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही होती है, किसी में शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही होती है, किसी में नए शेयर में लॉन्ग पोजीशन बन रही होती है, किसी में नई पोजीशन बनाई जा रही होती है, सब एक्सपायरी के टाइम ही घालमेल होता, पता ही नहीं चल पाता, अच्छों अच्छों नहीं चल पाता, इतना डेटा क्लियर नहीं आता, और अगर आता भी है तो फिर वही ऊपरी लेयर के पास रहता होगा, नीचे तो छन के आ नहीं पाता, बड़े बड़े हाथियों के पास, डायनासोर्स के पास ही होता होगा। निफ्टी तो आज और गिरती, कम से कम 400 पॉइंट गिरती और आज ही 17,800 आ जाती, लेकिन आईटी गिराया जा रहा था, बैंक गिराया जा रहा था, लेकिन ऑटो से मैनेज हो रहा था। ऑटो में भी मारुति को ये लोग ऊपर ला रहे हैं, मारुति का शेयर जल्दी ही 10,000 के लेवल पे ट्रेड करने वाला है। अब मारुति आपको 5 फिगर में दिखाई पड़ेगा, 5 फिगर में मारुति के लिए सारा अभ्यास हुआ मुझे तो लग रहा है। दूसरा कालीन भैया सपोर्ट कर रहे थे,
कालीन भैया का भी मैंने टेलीग्राम पे बराबर अपडेट कर दिया था 2450, और अब हमें लगता है आगे भी कहानी है। इस पे भी वीडियो एक अपडेट करता हूं कि स्विंग ट्रेड कैसे लूंगा मैं रिलायंस पे। सबसे बड़ी बात, जब बाजार आज हमारा बंद हो रहा था फ्राइडे को, तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स प्लस था 100 पॉइंट, अपना गिरा हुआ था। हो सकता है जब आज डाउ जोन्स खुले तो वो प्लस खुले, माइनस खुले, हो सकता है गिरा के खोल दें, हो सकता है ग्रीन कर दें बहुत तेज, और बहुत तेज ग्रीन में ही बंद करें या आसपास ग्रीन में बंद करें, और इसका असर हमारे यहां मंडे को इंडियन मार्केट में दिखाई पड़े कि हम लोग भी ग्रीन में खुले। लेकिन अगर डेटा थोड़ा सा भी रह गया होगा, डेटा इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग को डेटा वाली भाषा समझ में आती, बाकी मुद्दा यह है कि बाजार को गिराना ही है तो बैंक निफ्टी को फिर से दबाएंगे ये लोग और फिर से निफ्टी को नीचे लाएंगे, क्योंकि खेल मुझे लग रहा पूरा नहीं हुआ है। अब जो अगली वीकली एक्सपायरी आएगी खेल वहां तक चलेगा, थर्सडे तक, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए बाजार के पीछे के मनोविज्ञान को समझिए, हर बार बाजार के बीच में जाना कारगर सिद्ध नहीं होता है, कभी कभी बाजार को किनारे से बैठकर ऑब्जर्व किया जाता है, साक्षी भाव से देखा जाता है, ड्रोन व्यू लगाया जाता है और समझा जाता है कि बाजार क्या करना चाह रहा है। जैसे मैं हमेशा ऊपरी लेयर की मनोदशा पढ़ने की कोशिश करता हूं, मैं ऑपरेटर का मन पढ़ने की कोशिश करता हूं कि ये क्या करना चाह रहा है, ये बाजार को किस तरीके से देखना चाहता है, सारा मनोविज्ञान मेरा वहां पर होता है। अधिकतर परमात्मा की कृपा है कि सही भी हो जाता हूं। मुझे ये बराबर आभास हो रहा था कि बैंक निफ्टी में तो हरकत हो रही है, इसको बढ़ाया जा रहा है, तभी मैं पोजीशन बनाने में कचक रहा था, पोजीशन नहीं मैं बना रहा था बैंक बीच में कोई, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे लग रही थी करेक्शन लेगी जरूर, और 4000 पॉइंट बढ़ी है तो लगभग 4000 ही पॉइंट गिरना चाहिए ये मुझे लगता है, तभी मैं नई स्टार्टिंग करूंगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि बैंक बीज में नई पोजीशन मैं कैसे बनाना शुरू करूंगा अगले 15-20 दिन या एक महीने के अंदर। और वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। दूसरा, टेलीग्राम, हमारा फ्री टेलीग्राम आनंद भाव जरूर ज्वाइन करिए, अगर आपको बाजार की नब्ज पकड़ना सीखना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल फ्री है, सीख सको तो सीख लो भाई। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।